बारिश के बाद जो मिट्टी में से खुशबू आती है ना, उसको सूंघने में तो बहुत ही मजा आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने वीकेंड पे बहुत मस्ती की होगी अपनी फैमिली के साथ। तो आज है मंडे मॉर्निंग एंड इट इज़ द फ्रेश स्टार्ट ऑफ द वीक। तो हम बहुत पॉजिटिव एनर्जी से, बहुत हैप्पीनेस के साथ इस वीक को वेलकम करते हैं, क्योंकि जितना खुश आप मंडे को हो गए ना, उसी खुशी के साथ आप अपने पूरे वीक को इन्जॉय कर पाओगे, अपने वर्क प्लेस पर इन्जॉय कर पाओगे, अपने बच्चों के साथ घर आके इन्जॉय कर पाओगे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि मंडे मॉर्निंग जो है आपकी एनर्जेटिक होनी चाहिए, हैप्पीनेस से फिल्ड होनी चाहिए। तो बस अभी हम लोग बाहर बैठे हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, हल्का सा मॉइस्ट है, बारिश हुई थी कल रात को, तो अच्छा लग रहा था बाहर बैठ के। मी एंड माय हस्बैंड वर इन्जॉइंग मॉर्निंग ड्रिंक। तो बस अभी हम लोग अंदर जाएंगे क्योंकि मेरे को ब्रेकफास्ट बनाना है और मेरे हस्बैंड का लंच पैक करूँगी मैं। तो चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि मैं क्या अपने हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स में पैक कर रही हूँ आज। लंच बॉक्स रेडी हो गया है, पालक पनीर मैंने डाला है, रोटी, और ये है मैंगो शेक विद सम चिया सीड्स, और मेरे हबी चाय भी लेकर जाते हैं तो हाइड्रो फ्लास्क में मैंने चाय डाल दी है। मॉर्निंग में जब भी मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होता है तो मैं अपने हस्बैंड को इस तरीके से टिश्यू पेपर पे एक छोटा सा नोट लिख कर देती हूँ लंच बॉक्स में रख के। जब वो ये रीड करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो हमेशा मुझे कॉल करते हैं। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को ज़रूर ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेस दिया करिए। सो मेरे हस्बैंड अभी अभी निकले हैं ऑफिस के लिए और आज मेरा वर्कआउट करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। शायद आप देख पा रहे होंगे मेरी आईज काफ़ी पफी हो रखी हैं। हुआ क्या कि कल रात में मैं सो तो टाइमली गई थी, लाइक 9:30 10 o'clock हम बेड पे थे, बट मुझे नींद ही नहीं आई। एट अराउंड 1:30 मैं सोई हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि संडे को ना मुझे थोड़ी एंजाइटी हो जाती है रात को कि मंडे को जल्दी उठना है मॉर्निंग में। दो मैं वीकेंड्स पे भी जल्दी उठ जाती हूँ, टाइमली उठ जाती हूँ, बट एक संडे नाइट का थोड़ा सा एंजाइटी मुझे रहता है। तो शायद उस एंजाइटी की वजह से मुझे नींद नहीं आई थी। तो मन तो बहुत कर रहा है कि जाकर सो जाऊँ और मौसम भी एकदम थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा है, बट अगर अभी सो गए ना तो फिर पूरा दिन लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी नहीं सोऊंगी। वीकेंड हुआ क्या कि हम लोग मैंगोज लेकर आए और मैंगोज ना थोड़े से ज्यादा पके हुए आ गए, तो कुछ अंदर से काले काले से गले हुए हैं। तो मैं आजकल पूरे स्प्री में हूँ कि मैं फटाफट से इन मैंगोज को खत्म कर लूँ। तो रात में भी मैंने मैंगो काटा था, हस्बैंड को भी मैंगो शेक बना के दिया है और आज हम दोनों भी ब्रेकफास्ट में मैंगो शेक ही पियेंगे। और आजकल ना हमें ये सेटिंग बहुत अच्छी लग रही है कि बाहर आके अपना चाय नाश्ता करो, शाम को हम लोग चाय पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बाहर ऐसे बैठ के, और सबसे ज़्यादा तो गोविंद को अच्छा लगता है ये। तो बस अभी मैं अपना मैंगो शेक पी रही हूँ। और देखो ये मैंने आपको दिखाया था ना किचन हॉल में कि ये जार्स मैंने लिए हैं, तो इन जार्स का ना ये बहुत अच्छा फायदा है कि आप ये रिंग लगा लो इसके ऊपर और ये आपका ग्लास में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको अलग से ब्लेंडर, फिर अलग से ग्लासेस वगैरह नहीं करने पड़ते, ये जार ही आपका ग्लास बन जाता है। मंडे मॉर्निंग मीन्स अ लॉट ऑफ क्लीनिंग आई गेस। सभी लोगों के घर में मंडे को खूब सारी सफाई चल रही होती है क्योंकि वीकेंड पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता घर को थोड़ा सा भी ऑर्गेनाइज करने के लिए, और घर मंडे को पूरा मेसी होता है। तो मैं अपने फोन में 1 घंटे का टाइमर सेट करूंगी और ट्राई करूंगी इस 1 घंटे में पूरे घर को थोड़ा सा फंक्शनल बना लूं, ऑर्गेनाइज कर लूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइमर स्टार्ट्स नाउ।
टाइमर लगा के काम करने का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये लगता है कि मेरे अराउंड जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फ़ोन, मैं उसको बिल्कुल भी टच नहीं करती, जिसकी वजह से जो मेरा एक घंटे का काम है वो 55 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाता है। और अगर ऐसे टाइमर ना लगाओ तो एक घंटे का काम आराम से 1.5 घंटे में होता है, क्योंकि बीच बीच में कभी फ़ोन आ जाता है या कभी मैसेज आ जाता है, तो फ़ोन में 15-20 मिनट कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। आप लोग मुझे बोल रहे थे कि आपको मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग लग रही है, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने 1.5-2 महीने से तो कोई भी स्किन केयर नहीं किया। लाइक जो नॉर्मल हम कभी कभार फेस मास्क वगैरह लगा लेते हैं वो भी नहीं लगाया, बट आप लोगों ने इतना मुझे अप्रिशिएट किया था मेरी स्किन को लास्ट वीडियो में, तो आज मैंने सोचा फाइनली थोड़ा सा मास्क लगा ही लेते हैं। तो ये लॉरियल का प्योर क्ले मास्क मैं यूज करती हूँ, ये मेरी स्किन पे काफी सूट करता है मुझे, और आज सुबह उठ के मैंने देखा एक छोटा सा एक्ने भी मुझे दिख रहा है, तो चलो आज फाइनली ये लगा ही लेते हैं। और जब तक मेरा मास्क सूखेगा तब तक मैंने सोचा है इस टाइम को यूटिलाइज करके मैं अपने सारे कपड़े आयरन कर लेती हूँ। कल मैंने लॉन्ड्री किया था तो थोड़े से कपड़े थे जो आयरन करने, बेसिकली अंशुल के ही कपड़े रहते हैं आयरन करने के लिए, उनके ऑफिस वेयर्स, मैं और गोविंद तो घर पे ही रहते हैं तो ज़्यादा कपड़े हमारे होते नहीं हैं आयरन करने के लिए, बट जो भी है अभी मैं फटाफट से आयरन करूँगी। और ये डिजिटल आयरन है, मैंने रिसेंटली ही कॉस्को से बाई की है, बहुत ही अच्छी है ये आयरन। अभी मैं शावर लेके बाहर आई और मैंने देखा बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं एक बार आपको व्यू दिखाती हूँ बाहर का। आपको पता है बारिश देखे ना आज भी मैं बच्ची बन जाती हूँ एकदम, मुझे बहुत अच्छा लगता है बारिश को देखना, और बारिश के बाद जो मिट्टी में से खुशबू आती है ना उसको सूंघने में तो बहुत ही मजा आता है। अभी मैं मिर्ची का अचार बना रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये माइल्ड हॉट मिर्चियां जो होती है ना जिसका अचार बनाते हैं हम, नींबू वाली जो मिर्चियां हम डालते हैं वही मिर्चियां हैं। इसको मैंने हाफ ऐसे स्लिट कर लिया है और इसे मैं अचार बनाती हूँ पंचफोरन मसाले के साथ। देखिए ये पंचफोरन मसाला स्वाद का है, इसे मैंने लाके रोस्ट कर लिया था और रोस्ट करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड करके अच्छे से रखा हुआ है पाउडर लाइक दरदरा पीस के, और अब मैं इसका अचार विद इन मिनट्स बना लेती हूँ। तो देखिए इसकी रेसिपी बहुत ही वैसे सिंपल है। तो मिर्ची में मैं सबसे पहले डाल दूंगी हल्दी, और इसी तरीके से आप आम का भी बना सकते हैं, बट आम का जब आप बनाते हैं तो इसमें एक एडिशन होता है कि आप इसमें लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड करिए, बट ये स्टिल खुद ही मिर्ची है तो मैं इसमें कोई मिर्च ऐड नहीं करी। और ये देखिए मैंने ये डाल लिया है हल्दी, और अब हल्दी को एक बार मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और साथ ही साथ मैं इसमें ये पंचफोरन भी डाल दूँगी। पंचफोरन मसाले से ही बहुत अच्छा अचार बनता है। तो करीब मैंने 3 टेबलस्पून लिया है मसाला, डिपेंडिंग ऑन मिर्ची, ये करीब 250 ग्राम मिर्ची होगी। इसको मैं लाइटली बस इस तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने करीब 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है, 1-1.5 टेबलस्पून, और जब इसका स्मोक पॉइंट आ जाए, जब आपको लगे कि इसमें से फ्यूम्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं, आपको स्मेल भी आ जाएगी ऑयल की, तब आप इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। तो मैं इतनी मिर्ची के लिए अराउंड 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें हींग डालूंगी। मेरा हींग इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, बट अगर आप अच्छी क्वालिटी वाला जो इंडिया का हींग होता है वो यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा कम ऐड करिएगा, और बस नमक को अच्छे से कुक होने दें पहले, और गैस को अब मैं लो कर दूंगी, और इसके बाद मैं इसमें अपनी मिर्चियां भी डाल दूंगी, और बस एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और आपका इंस्टेंट मिर्ची का अचार एकदम यमी वाला बनके तैयार हो जाएगा। आप हल्का सा इसे टेस्ट करके देख लें नमक चेक करने के लिए, बहुत अच्छा बना है। बस थोड़ी देर इसे रख दें और उसके बाद जो सारे मसाले आपस में
मिक्स हो जाएंगे ना, जब नमक अपना पानी छोड़ने लगेगा तब इसका रियल टेस्ट आना शुरू होता है। लाइक 2-3 आवर्स के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाता है खाने के लिए। तो अभी हम लोग मिलके करेंगे कुछ एक्टिविटी। ये प्री स्कूल बुक मैंने गोविंद के लिए ली थी, ये ट्यूसॉन से ही ली थी। इसमें काफ़ी कुछ है करने के लिए, आप स्क्रिबलिंग करा सकते हो बच्चे को, कलरिंग करा सकते हो, और बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनी हुई है जो बच्चे को आप दिखा सकते हो। और गोविंद के लिए ये पूरा सेशन फन बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि हर रोज उसे एक अलग कलर की पेंसिल देती हूँ। तो आज कौन से कलर की मिली है आपको? ऑरेंज। आज ऑरेंज कलर की मिली है। कभी मैं उसे ब्लू देती हूँ, कभी ग्रीन देती हूँ, तो उसको भी एक्साइटिंग लगता है कि आज कौन से कलर की मुझे पेंसिल मिलने वाली है। और कभी कभार पेन से भी हम लोग स्क्रिबलिंग करते हैं। सो दिस एंटायर सेशन इज ऑल फन फिल्ड। अभी हम लोग कलरिंग करेंगे जिसमें हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो इस टाइम पे एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक मैं कुछ सीजनल फ्रूट्स लेती हूँ जो भी घर में अवेलेबल हो। तो आज मैं चेरी खाऊंगी और इसको भी खिलाऊंगी साथ में। तो यही रहता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आती हैं मेरी वीडियोस और ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और थोड़ा सा भी कनेक्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अराउंड एक पॉजिटिव ऑरा बनाइए, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी बहुत सैडनेस है, बहुत स्ट्रेस है। तो कोशिश करिए आप लोग खुश रहें जिससे कि आप अपनी फैमिली को, अपने से जुड़े आसपास के लोगों को खुश रख पाएँ। तो आज इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय, से बाय, हैप्पी मंडे।